राइट गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस कमाल के वीडियो पे। एंड आज की वीडियो पे गाइस जो होने वाला है ना यार, लिटरली पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं की होगी भाई साहब। यहाँ पे पूरी 90 डिग्री स्ट्रेट क्लाइंब चैलेंज है, जो कि भाई साहब यार छोटी मोटी चैलेंज नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग को सुनने में नॉर्मल लग रहा होगा, बट देखो ट्विस्ट देखो, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे इस गाड़ी को भगाना है। यहाँ पे कर्व है, यहाँ से गाड़ी चढ़ेगी, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चढ़ेगी, फिर यहाँ से और थोड़ा सा, फिर यहाँ से यहाँ पे 75 डिग्री है ये जो आप देख रहे हो। इसके बाद यहाँ पे 89 डिग्री है ये वाला, यहाँ तक, ठीक है। 89 डिग्री थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा हल्का सा, पता भी नहीं चलेगा अगर नहीं देखोगे अच्छे से तो। फिर उसके बाद पूरा 90 डिग्री, पूरा स्ट्रेट भाई, पूरा स्ट्रेट है। यहाँ पे भाई बाइक चढ़ ही नहीं सकती, ना कोई और गाड़ी चढ़ पाएगी भाई। लिटरली आज का चैलेंज ना लिटरली इम्पॉसिबल चैलेंज होने वाला है यार। ताकि मैं आज की वीडियो पे ना ऐसा प्लानिंग करके आया हूँ, लाइक गाड़ियों को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करवाया मैंने। एंड यहाँ पे इंडियन कार्स भी है, सुपर कार्स भी है। एंड यार गाड़ी को मैंने इसलिए मॉडिफाई करवाया क्योंकि यार नॉर्मल गाड़ी इसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकती भाई। बट यहाँ पे कुछ कुछ गाड़ियां नॉर्मल है, कुछ कुछ मॉडिफाइड है। मजा बहुत आएगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके डेट ट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन कर लो, ताकि यार हम लोग सुपर से भी डुपर हो सके। वैसे भी हम लोगों ने अभी 60,000 सब्सक्राइबर हिट किया, तो हम लोग को 1,00,000 सब्सक्राइबर भी हिट करना है बहुत जल्द। एंड यार अभी मैंने एक व्लॉग डाला अपने व्लॉगिंग चैनल पर, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखी तो जाकर के चेक कर लेना, व्लॉगिंग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। तो फिलहाल यार चलो गाड़ियों को टेस्ट करते हैं, लेट्स गो, बहुत मजा आएगा, चलो भाई। और बाकी यार मैंने आप लोग की सारी गाड़ियों को ऐड कर दिया, जो जो आपकी फेवरेट है। स्कॉर्पियो को देखो मैंने ग्रीन कलर मॉडिफाई करवाया। फिलहाल चलो गाड़ियों को टेस्ट करते हैं। पहली गाड़ी यहाँ पे आ जाती है लैम्बोर्गिनी भाई साहब। यार लैम्बोर्गिनी वेनॉन है, LP 750 पावर वाली, बहुत ज़्यादा पावर है गाड़ी में। चलो भगाते हैं। ओके स्पीड देख रहे हो, ऑलराइट स्पीड तो पकड़ रही है गाड़ी, लेकिन यार पलट ना जाए, बस देखना एक पॉइंट पे, देखना गाड़ी पूरी स्ट्रेट हो जाएगी। ओके ऑलराइट 75 डिग्री, ओके 85 डिग्री, और राइट अब पूरी 90 डिग्री है गाड़ी। एंड पलट गई, पलट गई, पलट गई, ये पलट गई, ये पलट गई। लेकिन यार लिटरली अभी और ऊपर जाना था। यहाँ पे पहली लैम्बोर्गिनी पलट चुकी है भाई साहब, अचानक से फ्लिप हुई गाड़ी, नहीं पता क्या हुआ, बट फिर भी यहाँ पे गाइस गाड़ी नीचे गिर रही है भाई साहब, पानी पे डायरेक्ट। ओके ओके मेरे को डर लग रहा है। ओ भाई साहब यहाँ पे लैम्बोर्गिनी वेनॉन का गेम ओवर हो चुका है लिटरली। मुझे नहीं लगा था, मतलब मुझे लगा था ये गाड़ी चढ़ लेगी जिस हिसाब से चढ़ रही थी, बट अचानक से पलट गई एंड गाड़ी ने पूरा उल्टा ही परफॉर्मेंस दे दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, अगली गाड़ी को ट्राई करने चलते हैं। यार सीरियसली बताओ, मुझे लगा था ये गाड़ी चढ़ लेगी बट फिर भी फेल हो गई। एंड यार आप सोचो ना भाई, GTA 5 की सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये वाली दोनों को, जिसको मैंने खड़ा किया। एंड ये कितनी ऊपर है, दुगनी है भाई, और पूरे 90 डिग्री पे है, तो यार और ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट खैर कोई बात नहीं, अब बारी आ जाती है बुलेरो की, देखते हैं गाइस यार महिंद्रा की बुलेरो कैसा परफॉर्म करती है फुल स्पीड। ओके वैसे गाड़ी में तो उतना पावर था नहीं, तो मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाया, बाकी गाड़ी A1 है। ओके यार ज़्यादा स्पीड नहीं, फिर भी हम लोग को 180 का स्पीड देखने को मिला। ऑलराइट यार जिस स्पीड में चल रही है, मुझे नहीं लगता गाड़ी ऊपर तक भी पहुंच पाएगी। ओके ओके स्पीड बढ़ रही है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रही है फिर कम हो रहा है। ओके ओके अब तो कम ही कम हो रहा है। ऑलराइट अब गियर पे कम हो रहा है, गियर भी कम हो रहा है। ओके 75 डिग्री क्लाइंबिंग, ऑलराइट गाड़ी यहीं पर गई, यहीं पर गई। एंड ये तो ऊपर जाए नहीं भाई भाई साहब, लेकिन 90 डिग्री पहुँच गई थी। हाँ 90 डिग्री पहुँच गई थी, देख रहे हो गाड़ी हवा में आ गई। ओके गाड़ी कंट्रोल हो पाएगी क्या? ओके सीधी हो गई, ओ शिट गई, ओके गई, टकरा गया बिल्डिंग से भाई साहब। गाड़ी का पीछे का हिस्सा कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है, बाकी गाड़ी सही सलामत है यार। ओके ओके गाइस अब तो गाड़ी का नाम नाम सत्य है, गाड़ी का डिज़ाइन भी पूरा बदल चुका है। तो भाई साहब यहाँ पे बुलेरो फेल हो चुकी है, चलते हैं अगली कार को ट्राई करने, लेट्स गो। यार अब बारी आ जाती है टोयोटा की फॉर्चुनर भाई, लिटरली द गॉड ऑफ द रियल एसयूवी कार। एंड ये गाड़ी में इतना पावर है कि यार आराम से ऊपर पहुंच सकती है, बट इफ अगर गाड़ी पलटे ना, अगर पलट गई तो गाड़ी फेल हो जाएगी। कोशिश करूंगा गाइस मैं गाड़ी पलटे ना, बट फिर भी फुल स्पीड में भगाते हैं। गाड़ी ने 200 का स्पीड पकड़ा है। ओके ऑलराइट चढ़ सकती है, चढ़ सकती है, 240 का टॉप स्पीड है। ओके अभी भी स्पीड बढ़ रहा है स्टिल। ऑलराइट भाई साहब गाड़ी का बैलेंस नहीं बिगड़ा है अभी तक, और ट्रैक भी सीधा है। ओके ट्रैक सीधा है, सीधा है, सीधा है, सीधा है, लेकिन मेरे को डर लग रहा है। ओ भाई पहुंच गई, पहुंच गई, क्या पार कर दिया इसने भाई साहब। यहाँ पे फॉर्चुनर की पावर देख रहे हो गाइस, लिटरली पावर यहाँ पे जनरेट हो जाता है यार, बट मेन दिक्कत आती है भाई साहब, गाड़ी रिटर्न जा रही है लग रहा है, वापस से नीचे जा रही है भाई। लेकिन गाड़ी विनर है, गाड़ी को मैं ऊपर खड़ा करा दूंगा, बट फिर भी गाइस यार गाड़ी को रिटर्न तो नहीं आना था, गाड़ी को सीधी करते हैं। ओके बैलेंस, ओके बैलेंस नहीं बना मेरे से, गाड़ी का ये टूटा,
गई गाड़ी पानी पे, लेकिन गाड़ी विनर है तो मैं गाड़ी को विनिंग लिस्ट में ऊपर पहुंचा देता हूँ यार। ठीक है, बट फिर भी यार लिटरली गाड़ी ने कितना ऊपर जंप लिया भाई, ये देखने लायक था, मजा आ गया। चलो ऊपर यहाँ पे मैंने स्ट्रेट रख दिया हूँ मैं गाड़ी को, ओके यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, काफ़ी प्यारा यार परफॉर्मेंस यहाँ पे। वैसे गाड़ी बंद हो गई है, बट फिर भी यार फॉर्च्यूनर ओपी स्पैम कर देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इस। ओ भाई प्लेन गई क्या? ओके, बट यार फॉर्च्यूनर ओपी, मज़ा आ गया यार, बहुत पावर है फॉर्च्यूनर में यार। पावर सभी गाड़ियों में मैंने डाल रखा है, बट यार थोड़ा सा इनहेंस किया, जितना पावर है उसका दुगना मैंने कर दिया है, बाकी गाड़ी पूरी की नॉर्मल है। ठीक है, एंड गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अगर अच्छा होना तो गाड़ी आराम से ये चैलेंज को कर सकती है, जैसे कि फॉर्च्यूनर की थी। एंड अब बारी आ जाती है अगली गाड़ी की, तो चलो फटाफट से नीचे पहुँचते हैं। भाई साहब क्या स्पीड से जा रहे हैं यार हम लोग नीचे। ओके चलो मैं नीचे ही मिलता हूँ आपसे। ठीक है यार, अब बारी आ जाती है वर्ल्ड फेमस लैम्बोर्गिनी सियान और हमारे एक इंडियन यूट्यूबर की फेवरेट कार है यार। कमेंट सेक्शन में नाम बता दो वो यूट्यूबर का, मैं जान जाऊंगा कि आप भी ट्रू GTA 5 गेमर लवर हो। ठीक है चलो भाई भगाते हैं गाड़ी को, एंड गाड़ी की टॉप स्पीड तो यार 300 जाती है, 300 से ऊपर जाती है। ओके यहीं पर ही गाड़ी ने 260 का स्पीड तय किया है, ओके आराम से चढ़ जाएगी, बट अगर पलट गई तो गाड़ी फेल हो जाएगी, उम्मीद करता हूँ पलटे ना। बस यार स्पीड देख रहे हो गाड़ी की, 280 चढ़ गई है भाई साहब, और स्पीड बढ़ी रहा है। ओके पार, काफ़ी इजीली पार, काफ़ी इजीली, लिटरली हम लोग हवा में हैं। एंड गाड़ी बस थोड़ी सी आगे चले जाए, थोड़ी सी आगे चले जाए, बस बस थोड़ी सी आगे चले जाए भाई, पूरा 90 डिग्री पे ना तो गाड़ी रिटर्न आती है पूरी। एंड भाई जैसे कि मैंने कहा था, एंड गाड़ी सीधी हो गई, सीधी हो गई, सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो, शिट पलट गई, उल्टी है। ओके ओके ओके, गाड़ी का ये टूटा और टूटा, बट इस बार हम लोग रोड पे, ट्रैक पे है। ठीक है, लेकिन गाड़ी को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। चलो मैं गाड़ी को ऊपर रख देता हूँ, गाड़ी विनर है। ठीक है चलो भाई। गाइज यार मैंने थोड़ा सा ट्रैक को चेंज किया एंड और भी अब खतरनाक बना दिया हूँ, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, वो देखो गाइज यार, पहले हम लोग को यहाँ तक जाने को था ना, अब मैंने पूरा 360 बना दिया है। ठीक है, हम लोग को यहाँ से ऊपर कटना है एंड यहाँ से पूरा 360 भाई अर्थ का एक राउंड लगाना है, जो गाड़ी आगे तक जा पाएगी वो विनर होगी। वैसे कोई भी गाड़ी के लिए कर पाना नामुमकिन है, यहाँ तक तो जा ही सकती है। ठीक है चलो देखते हैं, यहाँ से तो पूरा स्ट्रेट रोड हो जाता है, बट भाई साहब कितने ऊपर है भाई, हम लोग बादलों के ऊपर करेंगे ये रेस को। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है फॉर्च्यूनर और क्या कहते हैं लैम्बोर्गिनी सियान को फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है ओके गाइस, दोनों गाड़ियां ऐड हो चुकी है, बट इस बार जो अपने पास फॉर्च्यूनर है वो थोड़ी पुरानी वाली है, तो यार ये वाली भी बहुत पावरफुल है, पुरानी समझ के, कम पावरफुल मत समझना भाई, फुल स्पीड। ओके चलो चढ़ाते हैं, ओके ये तो चढ़ गई भाई साहब, यहाँ पे तो आराम से कर लेगी, लेकिन जब ऊपर जाके 360 होगा वो कैसे होगा। ओके देख रहे हो यार, पूरा सीधा खड़ा खड़ा चढ़ा दें, ओके फुल स्पीड। ऑलराइट अभी तक मुड़े नहीं हम लोग, ओके मुड़ना चालू, ओ शिट गई गाड़ी, गई गाड़ी, गई गाड़ी, गई गाड़ी, गई गाड़ी, हम लोग कहाँ गिरेंगे मेरे को खुद अंदाजा नहीं है गाइस, पूरी गाड़ी इतना ऊंचा से गिर रही है। ओके यार लिटरली हम लोग हवा पे, पानी पे गिरेंगे क्या? नहीं आइलैंड पे गिरेंगे, हाँ आइलैंड, नहीं 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 आइलैंड पे नहीं गिरने वाले, कहाँ गिरेंगे नहीं पता, पानी पे, पानी पे गिरेंगे। ओके एंड छपाक भाई साहब, लिटरली यार मानना पड़ेगा बहुत पावर है भाई फॉर्च्यूनर में, पूरा कम से कम हो ही गया था यार। चलो चलते हैं लैम्बोर्गिनी सियान को ट्राई करने। ठीक है यार लैम्बोर्गिनी सियान तो और ज़्यादा पावरफुल है, मतलब फॉर्च्यूनर से तो दुगनी पावरफुल है, मतलब स्पीड के मामले में स्पोर्ट्स कार है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जाएगी लग रहा है मुझे। ओके स्पीड देख रहे हो, ऑलराइट सेंटर पे चलते हैं। ओके 300 का स्पीड पे भग रही है गाड़ी ऊपर, वो भी बढ़ रहा है स्पीड, अभी भी बढ़ रहा है। ओके 300 भाई स्पीड देख रहा है, ओके गई गाड़ी, गई गाड़ी, गई गाड़ी, गई गाड़ी, गई गाड़ी काम से, एंड एक बैक फ्लिप हो गया यहाँ पे प्यारा सा। ओके ऑलराइट भाई, चैलेंज को मैंने क्या बनाया था, क्या से क्या हो गया। ओके हम लोग यार आइलैंड पे गिरेंगे लग रहा है, वो घर के पास, नहीं 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 हम लोग कहाँ गिरने वाले हैं। ओके ओके सही जगह, नहीं गलत जगह गिर रहे हैं भाई, पानी पे नहीं, पानी पे नहीं, ओके पानी पे नहीं गिरना। ऑलराइट यार थोड़ा सा गलत जगह गिरे हैं, गाड़ी की हालत पूरी ख़राब है, बट फिर भी चल रही है गाड़ी, और यह चाहिए भाई लैम्बोर्गिनी सियान ओपी भाई, मज़ा आ गया। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। ठीक है यार बारी आ जाती है विटारा ब्रेजा की, देखते हैं विटारा ब्रेजा क्या ऊपर तक जा पाती भी है। चलो भाई फुल स्पीड, ओके अच्छा खासा स्पीड दिख रहा है मुझे, ऑलराइट 180, ओके यार नहीं मुझे नहीं लगता इसको तो दिक्कत होगी लग रहा है। ऑलराइट 120 स्पीड कम हो रहा है, अब स्पीड कम हो रहा है,
ओके अब 19 ये भी 85 है, 90 अभी आया नहीं है, ओके 90 डिग्री है, ओ फक, नहीं ये 90 नहीं चढ़ पा रही, गाड़ी स्लिप हो गई, गाड़ी स्लिप हो चुकी है, विटारा ब्रेजा नीचे जा रही है एंड 90 डिग्री क्लाइंब यहाँ पे गाइस, यार विटारा ब्रेजा ने नहीं कर पाया, लाइक लिटरली गाड़ी पीछे हो गई यार, 90 डिग्री पे ही गाड़ी हार मान गई। खैर गाड़ी सीधा पानी पे गाइस, यार कोई बात नहीं, विटारा ब्रेजा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, कोई बात नहीं होता है, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। ठीक है अब बारी आ जाती है गाइस यार ग्रीन स्कॉर्पियो की, यार लिटरली भाई देखने में तो काफी सुंदर है, क्या लगता है गाइस ये गाड़ी कर पाएगी, भगाते हैं यार। वैसे ये भी मॉडिफाइड है, स्पीड देख के आपको समझ ही आ रहा होगा, 200 टच कर रही है भाई फॉर्च्यूनर जितना, ओके 250 जाएगी क्या भाई, ओके 250 पार हो गया, 270 पार हो गया, ओके 280 नहीं जा पाएगा, हाँ 280 टच हो गया। ऑलराइट यार आराम से 90 डिग्री आराम से क्लाइंब कर लिया गाड़ी ने, ओके 90 से ज़्यादा भाई 180 डिग्री हो गया गाड़ी का, मज़ा आ गया भाई लिटरली यार। यहाँ पे स्कॉर्पियो भी विनर है, एक बैकफ्लिप प्रॉपर इसने मारा है, पीछे यार मैं एक वो बना देता हूँ यार, क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म जहाँ के गाड़ियाँ खड़ी हो पाए, क्योंकि गाड़ियाँ ऐसी रैंडमली गिर रही है, मज़ा नहीं आ रहा है ना यार, थोड़ा एक प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बना देता हूँ ताकि एकदम गाड़ियाँ स्मूथली खड़ी हो। ओके वैसे हम लोग पानी पे गिरने वाले हैं, छपाक यहाँ पे गाड़ी खत्म गाइज यार। चलो मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ बड़ा सा, ताकि जो विनिंग गाड़ियाँ होगी उन्हें मैं यहाँ खड़ी कर सकूँ। ठीक है तो चलो चलते हैं, ओके गाइस यार मैंने गाड़ियों को लाके रख दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे, देखो प्लेटफॉर्म रेडी है एंड जो हमारी जो गाड़ियों ने विनिंग है, मतलब जिसने ये चैलेंज कर दिखाया, जैसे कि लैम्बोर्गिनी सियान, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, तीनों चारों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है भाई साहब फोर्ड एंड्यूवर, वन ऑफ द बीस्ट यार, लिटरली पर्सनल फेवरेट। इसका सस्पेंशन दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो भाई, ये इसलिए तो मुझे एंड्यूवर बहुत पसंद है यार, एकदम मतलब तगड़ा सस्पेंशन रहता है इसका। ओके ऑलराइट ज़्यादा स्पीड तो नहीं दिख रही है मुझे, 220 के ऊपर ही, अपना मेन चैलेंज 90 डिग्री क्लाइंब चैलेंज है गाइस, वो हो गया ना तो गाड़ी विनर है। ओके 89 डिग्री है ये, ओके 90 डिग्री भी गाड़ी कर ले रही है काफ़ी आसानी से, ओके हो गया थोड़ा सा ऊपर और एंड भाई साहब यहाँ पे एंड्यूवर भी बन चुकी है विनर एंड एक बैक फ्लिप करते हैं। ओके बैक फ्लिप, वैसे हम लोग गिर कहाँ रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है इस बार गलत जगह गिरने वाले हैं हम लोग। ओके ऑलराइट ऑलराइट गाइस, पानी पे गिरेंगे हम लोग, पानी पे गिरेंगे एंड छपाक भाई क्या मतलब हुआ यार, मेरे को वो बनाने का, मेरे को थोड़ा और बनाना पड़ेगा क्या, रुको मैं उसको निकाल देता हूँ। फिर भी ये गाड़ी विनर है यहाँ पे, एंड्यूवर ओपी इन द चैट कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो यार, मज़ा आ गया, एंड्यूवर ओपी भाई लिटरली काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस था। अब चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है वर्ल्ड फेमस सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, जिसने टॉप स्पीड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 600 का टॉप स्पीड कैप्चर किया है भाई, बुगाटी चिरोंग 2020 एडिशन भाई, फुल स्पीड, ओके स्पीड देख रहे हो, ऑलराइट आराम से, ओ भाई स्पीड देख रहे हो अभी भी बढ़ रही है, 400 टच हो गया, ओके 450 पार, ऑलराइट ओके, ओ भाई गाड़ी गई लेकिन अभी भी देख रहे हो गाड़ी, ओ भाई साहब गाड़ी लिटरली यार एक तरीके से ये गाड़ी ने ये चैलेंज को प्रॉपर कर दिखाया है, ये गाड़ी विनर है, सुपर विनर है लिटरली, नॉर्मल विनर भी नहीं भाई सुपर विनर एंड ये गाड़ी क्रैश होने वाली है फटना जाए बस उम्मीद करता हूँ मैं। ओके नहीं फटी किस्मत है भाई यार हमारे गेम में गाड़ियाँ फटती ना यार, मैं ऑफ करके रखता हूँ, बट खैर काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यहाँ पे हो भाई, क्या निकला पीछे का निकला कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी की हालत देखो यार लिटरली भाई मैं जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, बट फिर भी भाई साहब गाड़ी ने यार पूरे 360 चक्कर मारा है जो कि यार अनबिलीवेबल था, काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार लिटरली भाई, बुगाटी चिरोंग ओपी स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में यार। वैसे भी हम लोग बहुत दिनों बाद इंडियन कार्स वर्सेस सुपर कार के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ब्रेक नहीं लगी भाई मेरे, बट खैर गाड़ी विनर है। चलो मैं गाड़ी को वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, ओके ऑलराइट यहाँ पे रख देते हैं प्यार से ऐसा, ठीक है चलो भाई साहब बुगाटी चिरोंग ओपी काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार, पहली गाड़ी जिसने चैलेंज को कर दिखाया है इम्पॉसिबल चैलेंज को, चलो चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस यार इंडिया की किया सेल्टोस गाइस, पर्सनल फेवरेट यार, मैट ब्लैक कलर का मैंने आज ही देखा था, नहीं कल देखा था मैंने, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा था यार मैट ब्लैक में, पूरी मैट ब्लैक की थी भाई काफ़ी सुंदर, फिलहाल हम लोग पास यहाँ पे बादाम कलर की है, मैं इसे चेंज करा दूंगा मैट ब्लैक अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्पीड तो नहीं, 180 का टॉप स्पीड पकड़ा है गाड़ी ने, ओके ऑलराइट 90 डिग्री क्लाइम कर ले मैं गाड़ी को विनर बना दूंगा यार। ओके यहाँ पे दिक्कत यार ट्रैक चेंज हो रहा है, अब पूरा 90 है,
अब पूरा 90 है ओके, गाड़ी स्टिल क्लाइम कर रही है। ऑलराइट स्पीड कम हो रहा है धीरे 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 धीरे, लेकिन स्टिल गाड़ी क्लाइम कर रही है, पलटी नहीं है। ऑलराइट यार, लेकिन गाड़ी कंट्रोल के बाहर थी, बट गाड़ी विनर है, गाड़ी को मैं विनर बनाऊंगा। ऊपर तक भले नहीं पहुंची, तो क्यों इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊपर उछा दिया है अभी। बट खैर यहाँ पे 90 डिग्री का चैलेंज यहाँ पे किया सेल्टॉस ने, कंप्लीट किया है, गाड़ी को टोटली विनर बनाया जाएगा, कोई वो झिझक वाली बात नहीं है। ठीक है, गाड़ी विनर है, गाड़ी को मैं वहाँ पर खड़ी कर देता हूँ। चलो भाई साहब ठीक है, खड़ी कर देते हैं यार, कोई शक तो नहीं। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना है, डेट्रैक्स फैमिली को मुझे बताए, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप लोग तो बहुत प्यारे हो यार, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। फिलहाल अब चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार Hyundai की तरफ से i20 टॉप मॉडल, जो कि अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है यार। देखते हैं चलो ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। वैसे स्पीड भी आप देख सकते हो यार, काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है ओके, 180 का स्पीड गाड़ी ने पकड़ा है ओके, फुल स्पीड। और राइड है, स्पीड कम नहीं हो रहा वैसे, 175 का अच्छा खासा स्पीड मेंटेन कर रही है भाई i20 OP भाई, भाग रही है गाड़ी ओके, कर लेगी चैलेंज, आराम से कर लेगी जिस हिसाब से बैलेंस बन रहा है ओके। और राइट हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया बस, गाड़ी स्किट कर रही है, धुआं निकल रहा है पीछे पूरा। ओ भाई साहब हो गया, गाड़ी ने कर दिखाया, गाड़ी विनर है, गाड़ी लिटरली विनर है भाई साहब। Hyundai i20 OP इन द चैट यार, काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार Hyundai i20 OP भाई, स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में। वैसे हम लोग आइलैंड के ऊपर गिरने वाले हैं लग रहा है ओके 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 ओके, हाँ आइलैंड के ऊपर गिरेंगे, परफेक्ट लैंडिंग भाई। लेकिन गाड़ी को ज़्यादा डैमेज हुआ नहीं, गाड़ी विनर है। चलो मैं गाड़ी को उठा करके वहाँ रख देता हूँ यार, ऐसे उठा के रखना मुझे अच्छा नहीं लगता यार वीडियो के बीच में, बट खैर रख देते हैं ताकि गाड़ी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार Hyundai i20 का, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार लैंड क्रूजर, वन ऑफ द फेमस कार ऑफ ऑल टाइम, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल, सस्पेंशन किंग देख रहे हो ना, जैसे फोर्ड के एंड्यूवर है वैसे लैंड क्रूजर है टोयोटा की। ठीक है, तो भगाते हैं ओके, 180 का स्पीड, 190 का टॉप स्पीड पकड़ा था गाड़ी ने ओके, बट यार जैसे ही ऊपर जा रहे हैं गाड़ी का स्पीड तो और कम हो रहा है यार। मैं तो सोचा था गाड़ी ऊपर तक बैलेंस बनाएगी, बट यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिल रहा है, गाड़ी तो यहीं पे ही धीरे हो जा रही है ओके ओके। गाड़ी हवा में गाड़ी नहीं कर पाई, गाड़ी 75 डिग्री के ऊपर ही नहीं जा पा रही लिटरली, उसके बाद गाड़ी को रिवर्स मारना पड़ रहा है यार। गाड़ी को मैं अभी भी एक्सेलेरेटर दे रहा हूँ, तब जाके गाड़ी कंट्रोल में है भाई साहब। पावर देख रहे हो, लैंड क्रूजर की पावर देख रहे हो, बट फिर भी गाड़ी नहीं कर पाएगी, गाड़ी अपने आप मुड़ रही है ओके, पलट ना जाए। ऑलराइट, बैलेंस, गाड़ी यहाँ पे फेल है, लैंड क्रूजर फेल है गाइस, गाड़ी को हम लोग को कुदाना पड़ेगा ओके। चलो भाई गाड़ी वहाँ ऊपर पहुँच जाएगी क्या, चलो खैर जो भी कहो, लैंड क्रूजर फेल है भाई, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस यार फोर्ड मस्टैंग GT की, जो कि गाइस यार कौन सा यूट्यूबर के पास है कमेंट सेक्शन में नाम बताओ, मैं हिंट देता हूँ वो फ्री फायर की वीडियोस बनाते हैं। फिलहाल यार ये गाड़ी है मस्टैंग फोर्ड GT, चलो भगाते हैं ओके। स्पीड देख रहे हो गाइस ओके, लिटरली गाड़ी का स्पीड कम ही नहीं हो रहा, अभी तक गाड़ी भाग ही रही है ओके, लेकिन गाड़ी हवा में जा रही है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है। ओ शिट, गाड़ी गई। क्या लगता है गाइस, एक चांस और दिया जाएगा क्या, मेरी गलती भी हो सकती है, चलो एक और चांस और देते हैं। ठीक है गाड़ी को गाइस मस्टैंग को सेकंड चांस दिया जा रहा है, चलो मस्टैंग को एक बार फिर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, फुल स्पीड ओके, इस बार सेंटर से ले जाएंगे। ऑलराइट फुल स्पीड ओके, लेकिन गाड़ी हवा उछल जा रही है यार लिटरली, ये देखो हवा में जा रही है ओके, ये देखो गई, नहीं हो पाएगा, नहीं चढ़ पाएगी गाड़ी, गाड़ी उछल रही है, गाड़ी का सस्पेंशन साथ नहीं दे रहा है। एंड मस्टैंग स्पीड तो पकड़ ले रही है यार, 100 मतलब यार ऊपर में 250 का स्पीड मतलब आराम से कर लेगी भाई, 180 के स्पीड में तो i20 ने किया, ये तो 250 की थी, बट फिर भी गाड़ी उछल जा रही है। अगर गाड़ी नहीं उछलती तो गाड़ी के लिए चैलेंज करना बाएं हाथ का खेल था, तो यहाँ पे फोर्ड मस्टैंग GT भी फेल हो चुकी है, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार ऑल न्यू महिंद्रा की, द बिग डैडी ऑफ, बिग डैडी क्या बोल रहा हूँ यार, बाप है सबकी भाई महिंद्रा थार, लिटरली ऑफ रोडिंग किंग यार लिटरली, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है ब्लैक कलर में। आप लोग डिमांड करते हो ब्लैक में थार लाओ, तो यार ब्लैक में थार आ चुकी है, डेट्रैक्स फैमिली के लिए जान भी हाजिर है भाई, ब्लैक थार तो कुछ भी नहीं है वैसे, चलो चढ़ाते हैं। ऑलराइट ओके, काफ़ी प्यारा, अनबैलेंस भाई, गाड़ी पूरी बैलेंस मेंटेन कर रही है लिटरली, गाड़ी का स्पीड भी देख रहे हो 200 के ऊपर है अभी तक ओके, प्योरली बैलेंस मेंटेन, एंड थार ने कर दिया है चैलेंज, कर दिया थार ने, हो गया थार से, हो गया आराम से, और हम लोग वो ब्लू वाले के ऊपर गिरेंगे, आई एम गारंटीड भाई, गारंटी शोरूम है ओके।
ऑल राइट, गाड़ी गोल पे गोल घूम रही है, जल्दी सीधी हो जाए यार। बट यार यहाँ पे थार का काफ़ी तगड़ा तभाई परफॉर्मेंस है यार, लिटरली एक तरीके से बोलोगे ना थार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। ओके, सीधी होने के चक्कर में काफ़ी गंदा चोट लग गया गाड़ी को, बट चलता है उतना क्या, बहुत डैमेज हुआ, एक तरफ का चक्का पूरा मुड़ गया, बाकी गाड़ी ठीक ठाक है उतना ज़्यादा। दूसरे तरफ तो ऐसा, इधर से देखोगे तो गाड़ी एकदम नहीं लग रही है भाई, ये देखो इधर से तो एकदम नई की नहीं लग रही है, थोड़ा सा चक्का वगैरह हिला हुआ है, इधर तरफ से तो कुछ ज़्यादा ही गाड़ी का डिज़ाइन बदल चुका है। बट यहाँ पे महिंद्रा थार ने ये चैलेंज कर दिखाया है, वो भी काफ़ी प्यारे तरीके से। चलो गाड़ी को यहाँ पे रखते हैं एंड चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइज यार यहाँ पे BMW की कार है ना, आई गेस ऑडी है गाइज, ऑडी RS6 है भाई साहब, द वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट पावरफुल SUV कार, सुपर कार कह सकते हो, एंड स्पीड देख के ही पता चल रहा होगा 200 का टच है यार, 200 तो नहीं था, 200 तो थार ने भी टच किया था। ओके, और राइट, टायर्स बहुत फैंसी है यार, वाइट कलर के टायर हैं एंड येलो कलर की बॉडी है गाड़ी की। ओके, आराम से कर लेगी, नहीं 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 कर पाएगी, चक्के पलट रहे हैं क्या, नहीं 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 पलट रहे हैं भाई, ऑडी ओपी आराम से कर लेगी, आराम से कर लेगी, लिटरली हो गया थोड़ा सा ऊपर, ऐसा लग रहा है गाइस नहीं कर पाएगी, बट यार एक पॉइंट पे ऐसा लगने लग जाता है कि हो जाएगा। ओके, एंड भाई साहब ऑडी R8 ने भी ये चैलेंज कर दिखाया है काफ़ी प्यारे तरीके से, एंड एक बैक फ्लिप के साथ, बैक फ्लिप मारते हैं, चलो देखते हैं कितना बैक फ्लिप होता है, एक तो हो गया, दो, तीन, ये क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है, चार, एंड हम लोग पानी पे गिरेंगे एंड परफेक्टली बैलेंस तरीके से भाई, टायर फट चुके हैं, लिटरली गाड़ी के टायर फट चुके हैं, हम लोग पूरे पैर के बल गिरे। तो गाइस यार यहाँ पे ऑडी R8 ने भी ये चैलेंज, ऑडी RS6 ने भी ये चैलेंज कर दिखाया, चलो चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस MG Hector Plus की, देखते हैं चलो ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है फुल स्पीड। ओके, काफी प्यारा स्पीड यार, 200 पार है, 200 लिटरली पार है। ओके, काफी प्यारा यार, लिटरली गाड़ी अब 85 डिग्री पे चढ़ रही है यार। MG Hector Plus भी यार इतना तगड़ा बैलेंस बना रही है। ओके, देख रहे हो गाड़ी हिल भी नहीं रही, प्योरली स्ट्रेट चल रही है, एकदम पूरी स्ट्रेट एंड गाड़ी ने कर दिया है, वो भी 180 के ऊपर के स्पीड में भाई, लिटरली इतना तो ऑडी नहीं पकड़ी थी। एंड MG Hector OP इन द चैट, लिटरली ऑडी नहीं, ऑडी से पीछे गिरेगी है आई गेस, आइलैंड पे गिरेगी आई गेस, नहीं आइलैंड नहीं, पानी पे, जहाँ पे ऑडी गिरी थी वहीं पे। ओके, ये गाड़ी को मुँह के बल गिराया गया, भाई साहब। ओके, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ गाड़ी को, बट खैर यहाँ पे यार काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस देखने को मिलता हुआ है MG Hector Plus की तरफ से, MG Hector Plus OP इन द चैट यार, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है बुगाटी वेनॉन की भाई, मतलब बुगाटी वेरॉन की, वन ऑफ दी फास्टेस्ट कार, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है यार, बुगाटी की गाड़ियाँ बहुत फास्ट होती है यार, फुल स्पीड 300 तो टच नहीं हुआ। ओके, अब ऊपर जाते जाते टच होगा। ओके, 300 पार, वो भी 90 डिग्री क्लाइम पे ऊपर। अब गाड़ी की स्पीड कैसे कम हो रही है देखो, नहीं गाड़ी नहीं चढ़ पा रही, गाड़ी नहीं चढ़ पाई, स्पीड भले हम लोग को तगड़ा मिल गया लेकिन गाड़ी चढ़ ही नहीं पाई। एक बार फिर ट्राई करने का मन कर रहा है मुझे बुगाटी, क्योंकि बहुत फास्टेस्ट कार है ये, चैलेंज इसके लिए काफ़ी आसान है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो मैं नीचे चलता हूँ इसे लेकर के, ट्रायल नंबर 2, लेट्स गो। इस बार गाड़ी देखते हैं चढ़ पाएगी कि नहीं। ओके, सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बम्प हो रहा है, गाड़ी नहीं जा पाएगी, इतना ज़्यादा सस्पेंशन में गाड़ी उछल रही है, ये देखो बार बार उछलेगी एंड गाड़ी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएगी, एंड यही नतीजा होगा, गाड़ी नीचे गिर जाएगी। एंड भाई साहब जैसे कि मैंने कहा गाड़ी गई, एंड नीचे डाउनफॉल में इस गाड़ी की स्पीड देखना, आराम से 300-400 जाएगी, बट यहाँ पर भी गाड़ी बम्प हो रही है यार। ओके, भाई साहब, चलो खैर जो भी है, यहाँ पे बुगाटी वेरॉन फेल हो चुकी है ये चैलेंज पे, चलते हैं अगली कार को ट्राई करने। 3-4 गाड़ियां ही बची है गाइस, पहले यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन को, एंड देखते हैं ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है फुल स्पीड। ओके, स्पीड देख रहे हो, ये तो 300 जा रही है भाई, कैसे 300 पकड़ रही है, ओवर मॉडिफाइड हो गई क्या। ओके यार, बैलेंस बना रही है वही बहुत बड़ी बात है। ओके, गया पार, गाड़ी 300 का स्पीड में जंप किया है भाई, क्या हो गया गाड़ी को नहीं पता। ओके, ओ भाई साहब, सबसे नियरेस्ट, पहली इंडियन कार जो इतनी
पास से गई है। तो यहाँ पे हम लोग को दो कार मिल चुकी है जिसने ये कंप्लीट चैलेंज किया, एक बुगाटी चिरोंग एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो। एंड स्कॉर्पियो एंड वाला थोड़ा मुझे नकली लगा, नहीं पता गाड़ी का इतना ज़्यादा स्पीड कैसे था, ओवर मॉडिफाइड हो गई है लगता है मुझे। ओके भाई परफेक्ट लैंडिंग भी गाड़ी को लिटरल, ओके सामने में डैमेज हुआ, मुझे लगा स्क्रैच भी नहीं आया, बट खैर काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार स्कॉर्पियो एंड का। लाइक लिटरली गाड़ी ने एक तरीके से यार जीरो डैमेज के साथ ये चैलेंज को कर दिखाया, बट अब गाड़ी को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है मोड़ने उड़ने में। बाकी गाड़ी ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो चलो मैं गाड़ी को ऊपर रख देता हूँ बाकी गाड़ियों के साथ। वैसे ये थोड़ा गलत जगह क्या, ओके रख सकते हैं ना, जगह है ना भाई ऊपर चढ़ाने के लिए। ओके ओके जगह है, यहाँ से चढ़ जाएगी। ओके शिट यहाँ से चढ़ जाएगी। ओ भाई साहब को ये गाड़ी नीचे, चलो मैं ऐसे उठा के रख देता हूँ। ओके लो गाइस यार यहाँ पे काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार, गाड़ी को चलो यहीं पे रखते हैं एंड चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो। अब बारी आ जाती है गाइस यार फॉर्चुनर लेजेंडर की, चलो देखते हैं ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। लाइक कल की वीडियो पे यार बहुत सारे डेड ट्रैक्स फैमिली के बंदे यार थोड़े निराश थे, क्योंकि कल की वीडियो पे गाड़ी थोड़ी सी मतलब फेल हो गई थी। तो यार मुझे समझ में आ गया था कि आप लोग लेजेंडर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो एंड यार लेजेंडर आज की वीडियो पे कमाल परफॉर्म करेगी, देख लेना ठीक है। भगाते हैं ये 85-89 डिग्री है, अब 90 डिग्री पे चल रही है गाड़ी। ओके टोटल स्ट्रेट है, टोटल स्ट्रेट है एंड दो भी 200 का स्पीड मेंटेन कर रही है भाई साहब एंड पलट गई गाड़ी। ओके परफेक्ट लैंडिंग आई गेस सो, बैक फ्लिप, एक काफ़ी प्यारा बैक फ्लिप। ओके हम लोग कहाँ गिरेंगे वैसे यार, पानी पे की वहाँ पे कट, बहुत डाउट है, नहीं पानी पे गिरेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज यार। गाड़ी स्टिल चालू है, गाड़ी अभी तक चालू है कैसे, ओ अब बंद हो गई भाई काफ़ी, लेकिन यार लेजेंडर को मानना पड़ेगा इतना देर तक चालू थी। तो यार यहाँ पे पता चल जाता है लेजेंडर की पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो लेजेंडर यहाँ पे विनर है, काफ़ी प्यारा एंड लोग हम लोग को बहुत सारी गाड़ियाँ विनर मिल चुकी है भाई, वैसे भी अभी 3-4 गाड़ियाँ बची है, चलो उन्हें ट्राई कर लेते हैं ठीक है। ऑडी की एक और गाड़ी आ जाती है, ऑडी आर एस सिक्स नहीं है ये A30 A3T है शायद, हाँ ABT ऑडी ABT भाई क्या गाड़ी है, मैंने पहली बार देख रहा हूँ। वैसे स्पीड देखो भाई साहब, गाड़ी की स्पीड देखो एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम है। ओके 300 का स्पीड पकड़ रही है गाड़ी, 300 पार आराम से पार। ओके ऑल राइट स्टिल गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, 330 गाड़ी का टॉप स्पीड है, 330 टॉप स्पीड है, लेकिन यार गाड़ी ने इतनी जल्दी अपना टॉप स्पीड पकड़ लिया भाई साहब, इसी से पता चलता है ये गाड़ी कितनी ज़्यादा पावरफुल है यार लिटरली। वो भी एक स्ट्रेट क्लाइंबिंग में 300 का स्पीड पकड़ना भाई मजाक की बात नहीं है ब्रो, यार बड़ी बड़ी गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है, इनफैक्ट लैम्बोर्गिनी हार मान जाएगी भाई इतना स्पीड पे, ठीक है। ओके पानी पे, ओके गलत वाले पानी पे गिरेंगे, बट गाड़ी स्टिल बंद हो गई गाड़ी यार लिटरली। यार सुपर कार की ये दिक्कत होती है, वो पानी में टिक नहीं पाती गाइस एंड ये गाड़ी भी वैसी टिक नहीं पाई। चलो इसे यहाँ पे रख देते हैं थार के बगल में एंड चलते हैं आज की लास्ट कार लैम्बोर्गिनी यूरस को ट्राई करने, लेट्स गो। आखिरी गाड़ी है गाइस, इसे ट्राई करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके डेड ट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, हम लोग अभी भी 1,00,000 सब्सक्राइबर हिट करने से थोड़े से नज़दीक है। तो यार अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा करके डेड ट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन कर लेना एंड हमारी जर्नी में हमारा साथ देना एंड यार व्लॉग भी आ चुकी है नए मेरे व्लॉगिंग चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन पे व्लॉग चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ओके वैसे ही गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है यार, पूरा इंक्लाइन चल रही है 90 डिग्री पे। ओके ऑल राइट 180 एंड ये भी हो गया बट यार दो गाड़ियाँ थी जिन्होंने पूरा ऊपर तक रेस लगाया, बुगाटी चिरोंग तो भाई पूरा ऊपर तक गई थी लिटरली, वो तो यार अलग ही बात है। बट खैर हम लोग पानी पे फिर से गिर रहे हैं। ओके ऑल राइट इस बार पानी पे नहीं, इस बार ट्रैक पे गिरेंगे, ट्रैक पानी, ओके ट्रैक, ओके ट्रैक पे गिर के पानी पे गिर गया, बताओ वैसे गाड़ी की पूरी अंजर पंचर ढीला हो गया है। चलो खैर यहाँ पे रख देते हैं एंड कौन कौन सी गाड़ी विनर है वो भी गिन लेते हैं ठीक है। ऑल राइट यहाँ पे रखता हूँ मैं गाड़ी की, एक तरफ की बॉडी पूरी डैमेज हो गई है। तो पहली गाड़ी लैम्बोर्गिनी यूरस एंड ऑडी RS6 ABT महिंद्रा थार लैम्बोर्गिनी सियान एंड फॉर्चुनर स्कॉर्पियो S11 एंड यूवर बुगाटी चिरोंग किया सेल्टॉस I20 एंड यहाँ पे ऑडी की एक और कार MG एक्टर प्लस लेजेंडर एंड स्कॉर्पियो एंड भाई जितनी गाड़ियों ने भी पार किया लिटरली पर्सनल फेवरेट है मेरी एंड आप में से बहुत सारी फेवरेट गाड़ियाँ हैं आप लोग की, जैसे कि फॉर्चुनर लेजेंडर तो आप लोग की फेवरेट है, स्कॉर्पियो लवर भी हो आप। तो आज की वीडियो में बहुत मजा आया, उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आपने हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके डेड ट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन जरूर करना ताकि आप हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर के जर्नी पे ज्वाइन हो सको, तो प्लीज सब्सक्राइब करना यार, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय टाटा एंड लव यू ऑल गाइस बाय एंड व्लॉग भी अपलोड
चुकी है व्लॉग, जाके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, बाय।